आओ दोस्तों, इस वीडियो में टाइप्स ऑफ गारंटी के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ गारंटी में दो प्रकार के गारंटी आते हैं। एक तो स्पेसिफिक गारंटी। यहाँ पर स्पेसिफिक गारंटी में खाली एक सिंगल डेट के लिए या स्पेसिफिक एक ट्रांजेक्शन के लिए खाली गारंटी दिया जाता है कि हाँ, जैसे कि मैंने मेरे दोस्त के लिए गारंटी दिया दुकानदार को कि इसको माल बेचो, खाली एक बार माल बेचो, इस एक बार माल बेचने पर मैं गारंटी देता हूँ, उसके बाद भी अगर तुम माल बेचोगे उस पर गारंटी नहीं है मेरा, बस यहाँ एक बार के लिए इसको 10,000 का माल दो मैं गारंटी देता हूँ। तो ये एक बार के लिए, एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए अगर गारंटी दिया गया है तो तब स्पेसिफिक गारंटी बोला जाएगा। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सिंगल डेट, खाली एक सिंगल डेट के लिए है या स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए, तब वो स्पेसिफिक गारंटी कहलाएगा। उसमें क्या है कि द सियोरिटी लाइबिलिटी कम्स टू एन एंड व्हेन द गारंटी डेट इज़ ड्यूली डिस्चार्ज। जो गारंटी दिया था, जिस डेट के ऊपर गारंटी दिया था, अगर वो डेट डिस्चार्ज हो गया, अगर प्रिंसिपल डेटर ये डेट का पैसा डिस्चार्ज कर दे, डिस्चार्ज कर दे, तो वो गारंटी भी ख़त्म, गारंटी ख़त्म हो गया उसके बाद। एग्ज़ाम्पल देखो, ए गारंटीज पेमेंट टू बी फॉर द प्राइस ऑफ द 5 bags। 5 bags के लिए गारंटी दिया किसने? ए ने दिया। सो बी को दिया, तो बी ने क्या किया, डिलीवर कर दिया 5 rice bags टू बी डिलीवर टू बी बाई बी टू सी, सी को डिलीवर करने के लिए, और बी ने कर भी दिया डिलीवर, एंड टू बी पेड फॉर इन अ मंथ, और एक महीने में दे देगा सी। बी डिलीवर्स 5 bags टू सी, सी पेज फॉर देम, सी ने पे भी कर दिया। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक। अब दोबारा फिर सी कभी उस दुकानदार से और 5 bags ऑफ राइस खरीदे या 10 bags ऑफ राइस खरीदे, तो उसके लिए ये ए जो है ये लायबल नहीं रहेगा, इसका गारंटी ख़त्म हो गया। इसने खाली एक स्पेसिफिक गारंटी दिया था ओनली फॉर 5 bags। अब आगे ए लायबल होने वाला नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ख़त्म हो गया। एक बार बी ये सी ने चुका दिया, सी पेस फॉर देम, सी ने चुका दिया, बस वो ट्रांजेक्शन ख़त्म, डेट ख़त्म, गारंटी भी ख़त्म। अब आगे कोई दूसरा गारंटी नहीं बनेगा। सो ए इंटेंडेड टू गारंटी ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द 1st 5 bags। ए ने पहला 5 bag के लिए खाली गारंटी दिया था ऑफ राइस टू बी डिलीवर 1 time। अब दूसरे बार के लिए गारंटी नहीं है, गारंटी ख़त्म। सो स्पेसिफिक गारंटी था वो। अब वो कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में पढ़ते हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या होता है कि गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन नहीं, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, लगातार ट्रांजेक्शन के लिए इस कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। अ सियोरिटी लाइबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल द रिवोकेशन ऑफ द गारंटी। जब तक वो शॉपकीपर के पास जाके, उस ऊपर वाले केस में जो शॉपकीपर था उसके पास जाके वो ये बोलना थे कि अब माल बेचना बंद कर दो, अब मैं गारंटी नहीं देता, तब तक, जब तक वो रिवोक नहीं कर देता तब तक ख़त्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे रिवोकेशन के बिना गारंटी ख़त्म नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, कंटिन्यूइंग गारंटी है। एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल में क्या है, ऑन एज रिकमेंडेशन बी अ वेल्थी लैंडलॉर्ड एम्प्लॉय सी एज स्टेट मैनेजर। देखो यहाँ पे ए कौन है, ए सियोरिटी है, क्यों वो सियोरिटी गारंटी दे रहा है, किसको गारंटी दे रहा है, बी को दे रहा है, तो बी क्या है, क्रेडिटर है, तो बी को गारंटी दे रहा है किसको रखने के लिए, सी को रख दो, सी क्या है, प्रिंसिपल डेटर है, तो प्रिंसिपल डेटर को रखने का गारंटी
दे रहा है एज अ स्टेट मैनेजर, मतलब सी को स्टेट मैनेजर, एज अ स्टेट मैनेजर रखने की रिक्वेस्ट कर रहा है कौन, ए कर रहा है, और ए इस गारंटी भी दे रहा है बी को। सो इट वाज द ड्यूटी ऑफ सी टू कलेक्ट रेंट, और सी का काम क्या रहेगा, रेंट कलेक्ट करे पहले तारीख से, हर महीने के पहले तारीख से। तो यहाँ पे हर महीने के लिए ए गारंटी दे रहा है, ए तो ऐसा तो नहीं बोला कि हाँ उसको 1 महीना रखो, 1 महीने के लिए हम गारंटी दे रहे, नहीं उसको काम में रखो, उसका काम है हर महीना रेंट कलेक्ट करना महीने के 1 तारीख में, तो उसका गारंटी कौन दिया, ए दिया हर महीना, तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग है गारंटी। और उसके बाद फ्रॉम द टेनेंट, वो रेंट कलेक्ट करेगा फ्रॉम द टेनेंट ऑफ बी, बी के टेनेंट से रेंट कलेक्ट करेगा एंड रेमिट कर देगा, पैसा दे देगा बी को, दे देगा 5 तारीख से पहले हर महीने के। यहाँ पे ए तो गारंटी देता है, ए गारंटी फॉर दिस अरेंजमेंट एंड प्रोमिसेस टू मेक गुड एनी डिफॉल्ट मेड बाई सी, और वो भरपाई करेगा। सो ही विल मेक गुड एनी डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो वो, ही विल मेक इट गुड, सो वो भरपाई करेगा। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, सो इसी को कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए नहीं बल्कि कंटिन्यूइंग सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दिया जाता है। यहाँ पे जो बी है, हाँ सी है ना, सी काम करने वाला है, तो ये सी रेगुलर काम करने वाला है, हर महीने काम करने वाला है, तो उस हर महीने का गारंटी कौन देता है, ए देता है। तो ए जो गारंटी दे रहा है हर महीना, हर महीने का काम का गारंटी दे रहा है, वही है सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दे रहा है, इसीलिए उसको कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। बस ख़त्म, बाय बाय दोस्तों।